Hello everybody, welcome to Divinely Guided 777. Here I come with the message of the day. ये daily short reading होती है. अगर आप morning में देखेंगे तो it's going to be a guidance. अगर आप end में देखेंगे तो it's going to be a reflection. Timeless है, जब कभी जिस दिन भी आप देखेंगे ये आपका उस दिन का message होगा. But again, message वही लीजिए जो आपको अपनी situation पे fit होता हुआ लगे. ठीक है, let's see message of the day. आज किसकी तरफ से क्या एनर्जी है, किस एनर्जी में है ये मैसेज और क्या अपने साथ बातें लेकर आ रहा है. मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे. लवर्स, मून, जस्टिस, थ्री मेजर आर्काना. स्ट्रेट अवे इम्पॉर्टेंट मैसेजेस फॉर यू. जेमिनी, पाइसीज एंड लिब्रा. एक फेथ है. कुछ चीज़ें आपको अगर देखा जाए रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल क्लियर है. आपके जो भी फियर्स या जो भी सैड मोमेंट्स या डाउन एनर्जी आपको अपने पर्सन की तरफ से या तो रिसीव होती है या आपको लगता है कि वो आपके लिए डिसीजन मेकिंग में पुअर हैं, उसका एक डिवाइन डिसीजन आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है. कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि कभी आपके पार्टनर आपके लिए नहीं कर सकते या आप इस रिलेशनशिप के लिए जो एक करेज होता है वो आप नहीं कैरी कर सकते, जो कि आपके पार्टनर और आप दोनों को मिलके करना चाहिए. इस रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें बाज़ दफ़ा रिश्ते में हो जाती हैं जब इंसान सोचता है कि एक तरफ से इन्वेस्टमेंट हो रही है, अगला नहीं कर रहा. आज के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ये कि आपको अपने रिश्ते को देखते हुए कोई ना कोई इंसाफ, कोई ना कोई ऐसी फेयर डीलिंग का इंडिकेशन मिलेगा या आपके अंदर ये करेज आएगा कि अब आप ये कर लें. लेकिन इस वक्त आप बहुत ज़्यादा डाउन हैं, आप इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बिकॉज आपको लगता है कि जितना कुछ इस रिश्ते में, इस पर्सन में, इस एनर्जी में होना चाहिए, मेरे एंड पे भी होना चाहिए, मेरे पर्सन की तरफ से भी होना चाहिए, वो उतना 100% नहीं आ रहा. आपके पर्सन ने आपको या तो किसी डिसीजन बनाने के लिए बात कही है, आपने उनको कही है, कहीं ना कहीं कोई किसी को टेस्ट कर रहा है और उस टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हद तक एक डिप्रेशन है, एक डर है, एक खौफ है. लेकिन अब ये खौफ किसी ना किसी हद तक कंप्लीट होता हुआ अपने अपने रिज़ल्ट की तरफ, अपनी डेस्टिनेशन की तरफ नज़र आ रहा है. कुछ चीज़ें आपको लगता है कि मैं इसको डिज़र्व करता हूँ, इस इंसाफ को डिज़र्व करता हूँ, मैंने जितना कुछ इस रिश्ते पे लगाया उसके रिज़ल्ट में मैं सुकून डिज़र्व करता हूँ, मैं भी मोहब्बत डिज़र्व करता हूँ. आपको जिस तरह के माइंडसेट में आज पूरे दिन रहने वाले हैं, लेकिन कोर फोकस ये है कि आप इस डाउन एनर्जी से निकल नहीं पा रहे. आप कभी रोमांस को कोप अप करते हैं, कभी बिल्कुल कोप अप नहीं कर पाते, कभी अपने पार्टनर को कोप अप कर पाते, कभी बिल्कुल भी कोप अप नहीं कर पाते. तो इस तरह की मिक्स चीज़ों में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका दिल नहीं मान पा रहा कि आपके साथ फेयर डीलिंग हो रही है और यही चीज़ आपके पर्सन भी आपके अंदर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जो खौफ और खदशा है इस रिश्ते को लेकर वो आप दोनों को एक दूसरे के लिए कटहरे में खड़ा कर देता है कि अब की दफ़ा मैंने ये किया है और तो अब की दफ़ा तुम ये करके दिखाओ, मैंने ये बात कही थी, अब की दफ़ा तुम ये प्रूफ करके दिखाओ. और इस चक्कर में आपका रिश्ता जो है वो बिल्कुल लास्टिक की तरह कभी इधर खींचता है तो कभी उधर खींचता है. तो ये आज बहुत हद तक मैसेज ऑफ द डे लवर्स के लिए है, सिंगल्स के लिए है, जो लोग कमिटमेंट में हैं उनके लिए है. और एक फेयर जस्टिस डिवाइन कॉलिंग की बात है. आप चाहते हैं कि चीज़ें इस रिश्ते के अंदर बिल्कुल बैलेंस होकर चलें, जिस तरीके से रिश्ते को चलाने का हक है ये उस तरीके से अदा हो. लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर ऐसा ज़रूर है कि उसके खौफ जो है वो उसको ज़्यादातर घेरे में लिए हुए होते हैं. तो ये मैसेज ऑफ द डे है. देखिए ये आज किससे रेजोनेट कर रहा है और मुझे फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. सम हाउ मैसेज ऑफ द डे जो आज है वो डेफिनेटली लव लाइफ से रिलेटेड है. ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा. हैव अ गुड डे. बाय बाय.